हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो मनी प्लांट पे है, और मनी प्लांट पे मैं पहले भी दो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। एक तो इसके केयर पे, और दूसरा इसे किस तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इसकी मिट्टी में हमें किस तरह से कंपोस्ट देना है, उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। लेकिन आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है विंटर केयर पे है, मनी प्लांट को किस तरह से विंटर में भी हेल्दी रखा जाए, उस पर आज का वीडियो है। क्योंकि अक्सर मनी प्लांट जो है विंटर में ख़राब होने लगता है, उसकी लीव्स येलो होने लगती हैं या बीच बीच से वो उसके पत्ते जो है खाली होने लगते हैं। तो किस तरह से इसकी केयर मैं करती हूँ, इसी पे आज का वीडियो है। कुछ क्योरी भी आ रही थी तो मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बना ही लेते हैं। मेरे प्लांट पे आप न्यू ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो भी हो रहा है मेरा प्लांट। तो किस तरह से मैं इसकी केयर करती हूँ, कौन सा मैं इसे फर्टिलाइज़र देती हूँ, वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। साथ में मनी प्लांट को किस तरह से बुशी किया जाता है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लाइक अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो मनी प्लांट पे प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ दो वजह से आती है। दो ही रीज़न होते हैं मनी प्लांट के ख़राब होने का। एक तो इसका लोकेशन कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा इसकी वाटरिंग। ये दो चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारा जो मनी प्लांट है वो बिल्कुल अच्छे से चल जाता है। विंटर में जो होता है मनी प्लांट क्यों ख़राब होता है, वो ठंडी हवाओं की वजह से ख़राब होता है। अगर डायरेक्ट उस पर ठंडी हवाएं गिरेंगी, ऊपर से फ्रॉस्ट गिरेगा, तो हमारा जो मनी प्लांट है इसी कारण से वो ख़राब होता है, उसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। आप देखिए, ये मेरा प्लांट इंडोर रखा हुआ है, और यहाँ पे इसे सारे दिन की ब्राइट लाइट मिलती है, कोई सनलाइट नहीं मिलती इस पर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, सिर्फ इसे पार्शियल सनलाइट मिलती रहती है। अच्छी ब्राइट लाइट पे ये प्लांट रखा हुआ है, और इसमें वेरिएशन देखिए आप, काफ़ी अच्छा आया हुआ है। कई बार लोगों को ये भी समस्या होती है कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से ग्रीन है, उनमें कोई भी इस तरह का पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये लाइट जो होती है उसकी कमी से होता है। अगर आपके प्लांट पे लाइट नहीं पड़ रही है तो वो ग्रीन ग्रीन से हो जाएंगे, फिर उनकी पत्तियों में वेरिएशन नहीं बनेगा। मेरे प्लांट पे यहाँ पे साइड पे कुछ पत्तियाँ ख़राब हैं। ख़राब क्या है, जब यहाँ पे वॉल पे पेंट हो रहा था तब इस पर थोड़ा सा पेंट गिर गया था, जो कि नहीं निकला है अभी तक, और पत्तियाँ येलो भी नहीं है कि मैं इन्हें हटा दूँ। तो ये इस वजह से थोड़ी सी ख़राब लग रही हैं, बाकी मेरा प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो दूसरी जो बात करें तो वो है वाटरिंग। वाटरिंग हमें मनी प्लांट पे किस तरह से करनी है, जब भी मिट्टी की टॉप लेयर 1-2 इंच तक ड्राई हो जाए तभी आप वाटरिंग करिए। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना है, लेकिन 1-2 इंच तक की मिट्टी को ड्राई होने देना है। उसके बाद हम वाटरिंग जब भी करें तो ये चेक करें कि पानी नीचे से अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। पॉट के नीचे से पानी, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें करनी है वाटरिंग, और मिट्टी हमेशा ऐसी बनाएं जो कि पोरस हो, ताकि उसमें पानी ना रुके। कई बार लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट तो पानी में भी ग्रो हो जाता है, तो अगर मिट्टी में उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्यों ख़राब होता है। तो जो हम पानी में मनी प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स फ्री रहती हैं, लेकिन जब वो मिट्टी के संपर्क में रहता है, मिट्टी के साथ रहता है, तो उसकी जो नीचे रूट्स होती हैं वो गलने लगती हैं और वो ख़राब होती हैं। ये मेरे दूसरे पॉट में जो मनी प्लांट लगा हुआ है, ये मैंने मॉस स्टिक इस तरह से रिंग में लगाया है, मतलब सर्कल में लगाया हुआ है। इस पर शॉर्ट वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो देखिए, इसमें ये इस तरह की लीव्स अगर आपके मनी प्लांट पे 1-2 निकल रही हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेचुरल है। जो मैच्योर लीव्स होंगी वो तो ड्राई होंगी, लेकिन जो न्यू शूट भी अगर आपके प्लांट पे आ रही हैं तो ये सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कई जगह पे मनी प्लांट लगाया हुआ है। तो मेरे जो जितने भी मैंने प्लांट लगाए हुए हैं सारे के सारे अच्छे ग्रोथ में हैं इस समय, ये देखिए। और इन्हें मैंने इस तरह से हैंग करने के लिए ही लगाया, इसलिए मैंने इनकी जो वाइन है इन्हें लटकने दिया है। छोटे से पॉट में छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, देखिए कहीं पे भी ये खाली नहीं है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये जो पॉट है, अब मैं इसे निकाल के आपको बताऊंगी कि अगर आप मनी प्लांट को बुशी करना चाहते हैं तो किस तरीके से, सिंपल तरीके से आपको करना है। तो देखिए, ये जो
मनी प्लांट है, इस तरह से एक वाइन में जब फैलने लगता है तो इसके जगह जगह पे नोड्स होते हैं। इन नोड्स को अगर आप मिट्टी से टच करेंगे तो वहाँ से ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह की जो वाइन है इसे मिट्टी के ऊपर से लपेट के रख देना है। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ये बड़ी वाली नहीं कर रही हूँ मैं, ये छोटी वाली को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये इसे आपको सिर्फ इस तरह से मिट्टी के ऊपर रख देना है पॉट में ही, तो इसकी जो है जगह जगह से न्यू शूट निकलेंगी और ये फिर बुशी होता चला जाएगा। तो पहले आप इसे बुशी कर लीजिए, फिर ये जैसे अगर आपका प्लांट चाहते हो आप बुशी करना तो इस तरीके से आप बुशी कर सकते हो। फिर इसकी जो अगर आप चाहें तो इसकी जो निकलेंगी यहाँ से न्यू शूट उन्हें हैंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मनी प्लांट को बुशी किया जाता है। अब मैं आपके साथ एक और पॉट शेयर कर रही हूँ जिस पे मैंने वीडियो भी डाला था कि किस तरह से टेबल टॉप के लिए एक डेकोरेटिव पीस बनाया जाए। तो ये वाला पॉट देखिए, आपको पॉट देख के याद भी आएगा, ये मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। तो इसको हमने एक एक लीव से प्रोपगेट किया था और ये भी काफ़ी अच्छा हेल्दी चल रहा है। तो कई तरीके से आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कई क्रिएटिविटी की जा सकती है इस प्लांट के साथ। अगर आप इस प्लांट पे वीडियो देखना चाहें, इस वाले पॉट पे वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पे भी इसका थंबनेल लगा लूंगी, तो आप वहां से इसे वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे बनाया था। बहुत ही इजी तरीके से बनाया, काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से रखा हुआ। इसे मैंने इनडोर एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहाँ पर मेरे इनडोर प्लांट्स हैं कुछ। तो अब मैं आपको फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये मेरा प्लांट जो है टेरेस पे रखा हुआ है और आपको अभी देखने में लगेगा कि ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है, लेकिन इसकी ऐसी कंडीशन क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। देखिए, ये इसकी स्टेम आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है और इसने जो ये मॉस स्टिक है इसे पूरी तरह से इसके अंदर इसकी रूट्स चली गई हैं, काफ़ी अच्छे से जकड़ा हुआ है। तो इसकी जो मॉस स्टिक है वो काफ़ी पुरानी सी और गंदी सी लग रही थी, तो मैंने उसे हटाना चाहा और इसको मैंने इस तरह से रिंग बनाया हुआ है एक बड़ा सा, उस पर मैंने इसे लगाना चाहा है। तो इसे मैंने क्या किया कि ये काफ़ी मेरा फैला हुआ था वॉल पे, इसकी रूट्स चिपकी हुई थी, वहाँ से निकाल के और मैंने इसमें इसे चढ़ाया है। इसीलिए ये मेरा प्लांट अभी आपको खाली खाली सा लग रहा है। किसी भी प्लांट को अगर हम उसकी रूट्स को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं तो वो थोड़े दिन के लिए, थोड़ा टाइम लेता है सेट होने के लिए। बाकी इसका, ये जो मेरा प्लांट है इसकी ग्रोथ अच्छी है और बहुत ही जल्दी ये मेरा इस पूरी रिंग को कवर कर जाएगा। तो इसीलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ ताकि कभी मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू वगैरह देती हूँ तो आप इस प्लांट को देख के ये ना कहें कि मेरा एक प्लांट ख़राब है और मैंने आपके साथ सिर्फ हेल्दी प्लांट ही शेयर किए थे। तो इस वाले प्लांट का क्या रीज़न है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब मैं जल्दी से आपके साथ इसका फर्टिलाइज़र शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, ये NPK है और इसका स्प्रे करती हूँ मैं, इस तरह की स्प्रे बॉटल में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप एक छोटा चम्मच घोल के और इसका स्प्रे करिए, या सीवीड है, सीवीड का भी स्प्रे इंडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं कभी कभी, जैसे कभी 15 दिन में इसका स्प्रे किया, कभी किसी का, इस तरह से मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, बायोविटा का सीवीड है और ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए, ये सॉयल मल्टीपर है, वैसे तो इसे सॉयल में मिक्स करते हैं सॉयल को बलवान यानी शक्तिशाली बनाने के लिए, लेकिन मैं इसका स्प्रे भी करती हूँ पौधों पे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये भी एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर है। और अगर आप घर का करना चाहें तो अगर आप किचन वेस्ट बनाते हों और उसका जो लिक्विड निकलता है तो ये जो लिक्विड होता है इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। मैं कभी जो मेरे सामने आ जाता है जिसका मुझे लगता है कि अब मैंने इसका स्प्रे नहीं किया है काफ़ी दिन से, मैं उसी का ही स्प्रे कर देती हूँ। और अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो अगर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं अपने प्लांट पे तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि काफ़ी पतला सा बनाएं और पूरी तरह से मिट्टी को ड्राई करने के बाद
बाद ही दें, नहीं तो मिट्टी में फंगस लग जाएगा। तो अगर आप चाहें तो गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लीफ वाले प्लांट हैं, इनको सिर्फ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने से भी ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन मनी प्लांट को विंटर में किस तरह से केयर करके हेल्दी बुशी रखा जा सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।